KTM ने फाइनली इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दी है 2022 RC390 एंड 2022 390 एडवेंचर। इन दोनों मोटरसाइकिल्स में कंपनी ने कुछ अपडेट्स किए हैं। पहले हम बात करते हैं RC390 की। इस बाइक के 2022 मॉडल का प्राइस है 3.40 लाख एक्स शोरूम दिल्ली, जो कि अराउंड 36,000 रुपए महंगा है कंपेयर टू द ओल्डर मॉडल। अगर मैं इसके डिजाइन की बात करूं तो यहां कंपनी ने कुछ मेजर स्टाइलिंग अपडेट्स किए हैं। इस मोटरसाइकिल में अब आपको मिलेंगे न्यू कलर शेड ऑप्शंस एंड डिजाइन फॉर साइड फेयरिंग। इस मोटरसाइकिल में और आपको देखने को मिलेगा एक 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक, रिवाइज स्टील सेक्शन एंड अ साइड स्लैम एग्जॉस्ट। टेक्नोलॉजिकली भी KTM ने नई RC390 को काफी अपग्रेड कर दिया है। इन नए फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको मिलेगा TCS, which stands for traction control system, cornering ABS, a quick shifter, a TFT display and a multifunctional switch gear. और ये new features आपको 390 Adventure में भी देखने को मिलते हैं। अगर हम इसके mechanical specs की बात करें तो it remains more or less the same. It continues to derive power from a BS6 compliant 373cc liquid cooled powertrain, जो produce करता है 42.9 bhp of power and 37 nm of peak torque, and it comes coupled to a 6-speed gearbox. अपने segment में ये directly rival करती है Kawasaki Ninja 300 को and TVS Apache RR 310 को। अगर हम बात करें 2022 KTM 390 Adventure की, तो उसका प्राइस है अराउंड 3.35 लाख एक्चुअली दिल्ली, एंड इट इज ₹7,000 कॉस्टलियर देन द प्रीवियस मॉडल। इसमें आपको दो नए कलर शेड ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट पिंक शेड है ऑरेंज एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन, व्हिच इज कॉल्ड एज KTM फैक्ट्री रेसिंग ब्लू। इस पेंट स्कीम ने सबसे पहले डेब्यू किया था 1290 सुपर ड्यूक आर में। सेकंड कलर शेड ऑप्शन आपको इस बाइक में मिलेगा ग्रे एंड ऑरेंज कलर का कॉम्बिनेशन, जो कि काफी सिमिलर दिखता है 250 एडवेंचर के कलर से रिलेटेड बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें टू गेट ऑल आवर फ्यूचर अपडेट्स।